हेलो एवरीबॉडी, वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी फंडा डिफेंस। आप सभी का जो है सीडीएस 2021 का एग्जामिनेशन हो चुका है और बहुत सारे लोगों ने कट ऑफ जो है आपके डाल दिए हैं, कट ऑफ एनालिसिस डाल दिए। बट इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे कट ऑफ एनालिसिस के बारे में विद फैक्ट एंड फिगर। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि इतने मार्क्स आपकी कट ऑफ जाएगी, आई विल गिव द रीजनिंग बिहाइंड दैट कि इतने मार्क्स अगर आपकी कट ऑफ जा रही है तो वो क्यों जा रही है, राइट? आपने बहुत सारी वीडियोज माइट भी देखी होंगी अभी तक कि इतने कट ऑफ जाएगी सीडीएस के IMA के लिए, इतनी जाएगी OTA के लिए। तो मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि कितनी जा सकती है और उसके पीछे का रीजन क्या है विद फैक्ट एंड फिगर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, कट ऑफ किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, नोबडी टॉक अबाउट दिस। आई एम टेलिंग यू, तीन फैक्टर ऐसे होते हैं जिसमें कट ऑफ जो है डिपेंड करती है। सबसे पहला और सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है आपका नंबर ऑफ सीट्स, ठीक है? जितनी ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स आपकी होंगी उतनी कम कट ऑफ आपकी जाएगी, ठीक है? पहली चीज, उसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे आगे आने वाले टाइम में। दूसरा है आपका लेवल ऑफ एग्जाम, ठीक है? जितना मुश्किल पेपर आएगा उतनी कट ऑफ नीचे आएगी, ठीक है? थर्ड थिंग, अटेंडेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने ज्यादा बच्चे अपीयर होंगे उतनी ज्यादा कट ऑफ जो है ऊपर जाने की चांसेस रहती है, राइट? चलिए सबसे पहले हम देखते हैं वैकेंसी, जो मैंने आपको सबसे पहले नंबर पे बताया था। ये है आपका सीडीएस 2021 की वैकेंसी, जो आपकी अभी इसी साल जो है पहले वाला जो पेपर हुआ था, और ये है लेटेस्ट वाला, ठीक है? इसका हमारे पास फैक्ट एंड फिगर नहीं है, बट रेफरेंस के लिए मैंने डाली ये चीज, ठीक है? आपका सीडीएस 2021 है, ये वाला आप एग्जाम देके आए हो। इस बार जो वैकेंसी है वो 339 है और इससे पहले वाली जो वैकेंसी थी 345 थी लास्ट वाले उसमें, ठीक है? तो आप देखेंगे वैकेंसी जो है इस बार घटी है, चाहे बेशक 6 ही वैकेंसी कम हो, बट कम का मतलब कम, 6 वैकेंसी मतलब आपके 60-70 बच्चों को कम सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है? अब हम डाटा देखते हैं कि हमारे पास कौन सा डाटा अवेलेबल है। ये जो डाटा है आपका वो है सीडीएस 2020 का, जो कि लास्ट ईयर हुआ था सेम उस पे, राइट? इसके अंदर जो सीट थी वो 344 थी, इस बार वन वाले में 345 आई थी और इस बार जो है एग्जैक्टली जो आप पेपर देके आए हो उसमें आए 339। तो हम ये मान सकते हैं कि जो 344 वाली जो वैकेंसी है और इस बार जो 339 जो वैकेंसी है वो समवेयर सिमिलर सी है। थोड़ा बहुत फर्क होगा, बहुत ज्यादा मेजर फर्क नहीं आएगा। बट अगर आप 2020 के अंदर देखेंगे, पहले वाला जो सीडीएस था उसके अंदर 418 वैकेंसीज थी, ठीक है? तो जितनी भी प्रेडिक्शंस ये की जा रही है आपकी यूट्यूब के ऊपर, उनमें जो है इन सब चीजों को कंसीडर नहीं किया गया। उन्होंने जस्ट सिंपल बता दिया कि लास्ट ईयर इतनी गई है तो इस बार भी इतनी जा सकती, ठीक है? बट हम इसमें डेप्थ में देखेंगे किस साल कितनी गई है, उस साल वैकेंसी कितनी आई थी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए अब इसमें देखते हैं जो लास्ट वाला सीडीएस आपका हुआ था, जिसका रिजल्ट आपका फाइनली आ चुका है अभी, उसके अंदर इन्होंने ना 6727 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया था रिटर्न में। मतलब जितने भी बच्चों ने पेपर दिया था उनमें से जो है 6727 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया था SSB के लिए, और नंबर ऑफ पोस्ट कितनी थी आपकी 344। तो इस बार भी जो है पेपर जो था ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल का था। थोड़ा सा मैं कहूंगा इंग्लिश में थोड़ा सा लगा मुझे, बाकी GS जो है बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं थी। हर बार ऐसे ही आते, कुछ सेक्शन ऐसे होते जो बिल्कुल ही सॉल्व नहीं होने वाले होते हैं और कुछ सेक्शन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल आसान होते हैं, ठीक है? जैसे आपका ज्योग्राफी थी इस बार बहुत आसान आई थी, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं थी। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन बहुत आसान थे इस बार। जनरली सीडीएस के अंदर की जो इकोनॉमिक्स होती है बहुत ज्यादा हाई लेवल की होती है, बट इस बार वाले क्वेश्चन थोड़े ठीक ठाक से थे, ठीक है? पॉलिटी के मैं कहूंगा थोड़ा सा लेवल बढ़ गया, वो हम अलग से जो है डिटेल में एनालिसिस करेंगे सब्जेक्ट वाइज। बट आप जस्ट अभी ये लगा के चलिए, इस बार भी जो है आपके 6227 अगर लास्ट बार सिलेक्ट किए थे तो इस बार भी जो है एनी हाउ 6500 से लेके 7000 बच्चों के बीच में जो है सिलेक्ट करने वाले हैं, ठीक है? पहली चीज। अब बात करते हैं पहले 2020 वाले एग्जाम की। इसमें 418 वैकेंसी आपकी थी, ठीक है? और कट ऑफ थी आपकी 130। तो मतलब ज्यादा वैकेंसी मतलब कट ऑफ नीचे, आप इसी को समझिए। कम वैकेंसी मतलब कट ऑफ ऊपर। रीजन बीइंग, अब देखो 418 वैकेंसी है, मान लो इन्होंने यहाँ पे 7000 बच्चों को सिलेक्ट किया है, ठीक है? अब की बार वैकेंसी है मान लो आपकी 339 है इस बार, तो कितनी कम हुई है, 60 तो यहां से आपकी होगी और 18 हो, यानी ऑलमोस्ट 80 वैकेंसी कम है इस बार। तो ऑब्वियसली इनको 80 वैकेंसी के लिए जो बच्चे चाहिए होंगे 6500 से लेके 7000 के बीच में, वो तो पहले ही पूरे हो जाएंगे। इवन 6500 से नीचे भी जा सकते हैं, ठीक है? तो कहने का मतलब क्या है, 130 वाला जो टाइम था वो तो अब गया, इसी को आप याद रखिए। अगर और थोड़ा सा पीछे अगर मैं चलूं तो तब भी जो है 417 वैकेंसी थी और मार्क्स जो है 134 के आसपास थे। तो कहने का मतलब क्या है, जब भी 400 से ज्यादा आपकी वैकेंसी गई है, 400 प्लस वैकेंसी रही है, तो कट ऑफ IMA के लिए जो है आपकी रफली अराउंड 130 के अराउंड रही है। अब मैं ज्यादा डेप्थ पीछे नहीं जाऊंगा, रीजन बीइंग 2018-17 की अगर आप वैकेंसीज देखोगे तो उस टाइम पे सारी आपकी किसी में 120 नंबर गई है IMA की, 125 गई है। बट अब जो है सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो चुका है दो तीन चीजों की वजह से। पहला, एजुकेशन सेक्टर के अंदर बहुत डेवलपमेंट हुई है। दूसरा, रिसोर्स बहुत इजिली अवेलेबल है, पहले इतनी कोचिंग वगैरह भी नहीं होती थी, अब
1500 में आपको पूरे कंप्लीट कोर्स जो है मिल जाते हैं, ठीक है। हमारा भी कल के दिन जो है एक कोर्स आ रहा है 1000 रुपीज में, जीएस वाला, कंप्लीट जीएस की गारंटी है। जीएस अगर आपके पास नहीं होगी तो आपकी फुल मनी रिफंड हम करेंगे। कल आपका कोर्स आ रहा है, ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं मेन मुद्दे पे कि इस बार की जो है क्या सेफ स्कोर एक होना चाहिए, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जितनी ज्यादा वैकेंसी होंगी उतनी ज्यादा कट ऑफ जो है वो नीचे जाएगी, और ये सब एग्जाम्स में होती है, सीएपीएफ के भी अंदर होती है। सीएपीएफ का अगर एग्जाम्पल दो, 2017 के अंदर आपकी 160 वैकेंसी थी, उस टाइम कट ऑफ गई थी 123, ठीक है, और 2018 के अंदर जो है वैकेंसी 400 प्लस आई थी, कट ऑफ गई थी 92, तो ये चीज बहुत मैटर करती है। उसके बाद ये आप देख लेना, स्लाइड आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स के बारे में। अब देखिए, किसी ने क्लियर कट आपको ये नहीं बताया कि कितने मार्क्स आने पे आपको तैयारी करनी चाहिए एसएसबी की, या कितने के लिए आपको आगे करनी चाहिए, बट मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ फैक्ट्स यहाँ पे आपको बताऊंगा जो कि आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब दो तरह के स्टूडेंट होंगे आप, जिनका क्लियर कट होगा कि मेरे इतने नंबर आ रहे हैं तो क्या मैं लिस्ट के अंदर आ सकता हूँ, मेरा नाम ये नहीं आ सकता है, ठीक है। सबसे पहले हम आईएमए की बात करेंगे, ठीक है। आईएमए की ऑल्दो पिछले कई बहुत सारे दिनों से जो है, अभी 2-3 साल से आपकी 100 वैकेंसी फिक्स है, तो आईएमए का मैं कहूंगा बहुत ज्यादा वो नहीं है। दो तरह के बच्चों का मेरा मतलब ये था, एक तो वो बच्चे हैं जिनका स्कोर 130 से नीचे आ रहा है, 130 135 तक भी जा रहा है मान लो आपका, ठीक है, और किसी के 128 आ रहे हैं, 120 आ रहे हैं, इस तरीके के बहुत बच्चे मैंने देखे हैं। मैसेज वगैरह भी आए थे कि सर मेरा इतना स्कोर है, क्या मैं तैयारी करूं ना करूं, इस तरीके से जो है आपके डाउट्स थे, ठीक है। एक बार मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। तो जितने भी लोग हैं जिनका भी स्कोर, जस्ट अ सेकेंड, जिनका स्कोर 145, 150, 142 ऐसे जिसका भी स्कोर आ रहा है, यू आर सेफ इन द सेफ जोन मेरे हिसाब से। इतने में आपका जो है डेफिनेटली हो जाएगा प्रिपेयर फॉर द एसएसबी, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एसएसबी। 140 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं, ठीक है, और अच्छे से, ऐसा नहीं कि 140 आ रहे हैं आंसर की गलत है, बहुत सारे डाउट हो सकते हैं, अगर आपके 140 150 के अराउंड मार्क्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली गो फॉर द एसएसबी। अगर आंसर की मिलाने के बाद आपके स्कोर जो है 130 के अराउंड ही रह जा रहा है, 130, 132, 125, 128, तो बिलीव मी नहीं होगा, मार्क्स जो है आपको ज्यादा लाने पड़ेंगे इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। दूसरा रीजन, अब ये देखिए जो स्कोर की यहाँ पे बात हो रही है ना, यहाँ पे 140 लग रहा होगा आपकी कि इतनी ऊपर कैसे जा सकती है, इफ यू सी दिस इन डिटेल, ये ऊपर नहीं है, आउट ऑफ 300 140 आपका 50% भी नहीं हुआ है। तो आप इसी को समझिए ना, एटलीस्ट यूपीएससी बोल रहा है कि 20% पे पास हो जाओगे आप, मतलब सेक्शनल कट ऑफ आपकी। अगर 140 150 भी अगर जाती है कट ऑफ, तो बहुत ज्यादा मत लगाना इसको कि बहुत ज्यादा कट ऑफ होगी, नहीं, 50% से तो है नहीं, और नीचे ही है, ठीक है। तो जितने भी लोगों का 150 140 42 48 43 जितना भी स्कोर है, 140 से प्लस है अगर आपका, तो आपके चांसेस हाई है, जैसे जैसे ऊपर नंबर चला जाएगा 147 48, तो डेफिनेटली यू आर इन द सेफ जोन एंड यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर यू एसएसबी। लेकिन जिसके 140 से कम है, 137 130 132, आप लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। देखिए, मैं झूठी दिलासा यहाँ पे नहीं दूंगा, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम जो कि आपका अगले अप्रैल में होने वाला है, उसके लिए प्रिपेयर करें, ठीक है। आईएनए की अगर बात करूं तो दो स्कोर जो मुझे लगते हैं वो ये है, अगर आपके 140 के अराउंड आईएनए में भी आ रहे हैं, ठीक है, हो सकता है काफी लोगों को लगे कि ये क्या बोल रहे हैं सर, बट 135 से लेके 140 के मार्क्स के बीच में अगर आपका स्कोर है या फिर 140 से ऊपर आ रहा है, तो डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट अ इंटरव्यू कॉल फ्रॉम यूपीएससी, ठीक है, एसएसबी के लिए कॉल आपका आ जाएगा। अगर आपका स्कोर वही 130 128 इस तरीके के उसमें है, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, 130 से नीचे अगर है तो डेफिनेटली मुश्किल होगा कॉल आना, ठीक है। तो दो स्कोर है यहाँ पे, 130 से नीचे अगर स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट राउंड, सॉरी नेक्स्ट आपका एग्जाम, एंड इफ यू आर स्कोरिंग अप्रोक्सीमेट 135 138 140, डू गो प्रिपेयर फॉर एसएसबी, राइट। देन आता है आपका एयरफोर्स अकेडमी। एयरफोर्स अकेडमी का जो स्कोर है वो हमेशा हाई रहता है दो चीजों की वजह से, पहला है आपका सीट्स बहुत ज्यादा कम है, हार्डली 30 35 26 28 ऐसी सीटें आती है इसमें, और यहाँ पे जो है बहुत मैटर करता है आपका स्कोर कितना है, ठीक है। तो इसके अंदर एएफए के लिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आपके 150 से लेके 160 के बीच में नंबर है तो आपका नंबर आ जाएगा, 160 से प्लस है फिर घबराने की आवश्यकता नहीं है, फिर आप डेफिनेटली गो फॉर एसएसबी, प्रिपेयर फॉर एसएसबी। अगर आपका स्कोर वही 140 145 के बीच में है, फिर आपका एएफए में होना मुश्किल है, आईएमए में आ जाएगा, पर इतना कंफर्म है, ठीक है। ओटीए की बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके सिर्फ ओटीए के लिए ही एलिजिबल हैं। ओटीए में अब ओवर द ईयर आप देखोगे, पहले 2017 की अगर मैं बात करूं, 88 85 83 90 92 इस तरीके से हो जाता था, लेकिन अगर अभी का आप सिनेरियो देखोगे ना, अगर आपके 102 105 ऐसे नंबर आ रहे हैं तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एसएसबी। 100 से कम वाले जितने भी हैं, 97 96 98 95 भाई बहुत मुश्किल है,
मुश्किल लग रहा है मुझे, नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम का लेवल जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था, इजी टू मीडियोकर था, तो आपको जो है मार्क्स जो है ज्यादा लाने पड़ेंगे, और बिलीव मी आने वाले टाइम ऐसा हो जाएगा आपका 110 10 नंबर पे कट ऑफ जाया करेगी। इसके रीजन उसका यही है कि जो बच्चे हैं, एक तो वही अगेन रिसोर्स बहुत सारे हो गए, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्रेडिक्टेबल हो गई है, ठीक है। जैसे करंट अफेयर था, हमने करंट अफेयर में 14 आउट ऑफ मेरे ख्याल में 19-20 क्वेश्चन आपके आए थे, 14 क्वेश्चन इजिली आपने स्कोर कर लिए वहां से। तो जीएसबी जो है अब आने वाले टाइम पे थोड़ी और मुश्किल हो जाएगी। तो जितने भी लोगों का ओटीए में स्कोर 100+ बन रहा है, 101, 102, 105, 7, 10 ऐसे है, तो डेफिनेटली गो फॉर इट। अब जैसे कल एक बच्चे का मैसेज आया कि सर मेरा 109 नंबर है तो क्या मेरा ओटीए में हो जाएगा, 109 में तो हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, 109 में हो जाएगा। 100 से ऊपर है, 100 से 110 के बीच में है तो अच्छे चांस है होने के, बट 100 से अगर नीचे है, कोई 97 वाला है, कोई 95 वाला है, 93 वाला है, ये सब भूल जाओ भाई, आप अपने नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करो, ठीक है। झूठी दिलासा मैं आपको नहीं दूंगा कि आपका हो जाएगा इसमें, तो उसका कोई फायदा भी नहीं, आप वेट करोगे काम का, तैयारी करोगे, इससे अच्छा अपने नेक्स्ट के लिए तैयारी करो। और अगर आपका अनफॉर्चुनेटली अगर आपके मार्क्स कम बन रहे तो कोई बात नहीं, इसको दिल पे नहीं लेना है, आपको ये देखना है कमियां कहाँ कहाँ रही है, ठीक है। पेपर ज्यादा मुश्किल नहीं था, इंग्लिश का पेपर मैं कहूंगा इजिली आप जो है इसमें 70 से 80 नंबर आपके बहुत प्यार से कभी भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। जेएस की बात करूँ तो 30 से 40 नंबर बहुत इजिली आपके इसमें आने के वाले थे, क्वेश्चन जो है ज्यादा मुश्किल नहीं था। वही आप अगर 10 दिन पढ़ के सोच रहे हो कि जेएस का पेपर क्लियर हो जाएगा तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। प्रॉपर स्टडी चाहिए, एटलीस्ट 2-3 महीने का टाइम उसमें लगना चाहिए पढ़ाई में, ठीक है। और रिसोर्स आपके बहुत मैटर करते हैं, क्या क्या चीजें आप फॉलो कर रहे हो। आने वाले दिनों में हम जो है प्रॉपर वीडियोज बनाऊंगा मैं अभी 1-2 दिन के अंदर अंदर, कैसे आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। बट अगर आपको हमारे कोर्स में एनरोल करना है तो सिर्फ 1000 रुपीज फीस है उसकी, और कल वो शुरू हो जाएगा। जीएस में आपकी गारंटी है, हम पास आपको करा के देंगे। इस बार जो है मोस्ट प्रोबेबली हमारे 40, 45, 50 के अराउंड कुछ क्वेश्चन आए थे टोटल, जिसमें से आपका इजिली जीएस जो है कंप्लीट हो जाता, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज अगर वीडियो पसंद आई हो, एनालिसिस ठीक लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर दो, जो भी डाउट आपका हो कमेंट कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि और लोगों को भी पता चल सके आने वाले टाइम पे वीडियोस के बारे में। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे भारत।